लेकिन फिर भी एसआई ने इसमें पक्षपात रूप से रवैया रहा है एसआई का इसमें। 10 बजे से चाहे जो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं कि हमारी ये मूर्ति हमारा, और पिछले 80 दिनों 90 दिनों में इन्होंने बस मूर्ति मूर्ति और तरह तरह की चीज़ें अनाप शनाप मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू शहर फिजा बिगाड़ने के लिए फैलाई गई। 10 सितंबर 2023 में उनके गार्ड ड्यूटी पर थे, पुलिस प्रशासन ड्यूटी पर था, कैमरे सारे लगे हुए हैं, लेकिन पीछे के रास्ते से गेट तोड़कर एक मूर्ति रख दी गई। उनका षड्यंत्र यही है कि किसी तरह से मूर्ति रखें और मूर्ति रख के हम उसको ऑथेंटिक कर दें, जबकि अंदर परिसर में आज तक अभी तक किसी भी तरह की देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, और ना ही अभी एसआई के सर्वे में निकली है। जो चीज़ें निकली है वो बाद में ला के रखी गई है, जो उन्होंने इसको गलत ढंग से एक मॉस का शेप देने की कोशिश की गई है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो एसआई ने 98 डेज की मशक्कत की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही है अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है, और जो वहाँ पे 15वीं शताब्दी में तोड़ा गया है मंदिर, उसके भी वहाँ पे प्रमाण और सबूत मिलते हैं। अलग कोई कमाल मौला की दरगाह नहीं है, ना मॉस्क है, ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से एक मस्जिद का एक दरगाह का शेप देने की कोशिश की जा रही है। गौशाला सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष से अब्दुल समद, जो कि कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, ये लगातार जितने भी दिन 98 दिन सर्वे चला, 98 दिन ये एसआई टीम के साथ अंदर थे, और हम इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी करेंगे। अब्दुल जी, क्या रिपोर्ट जो आई है उसके बाद तमाम तरह के दावे हिंदू पक्ष कर रहा है, जो एसआई ने सर्वे किया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एसआई ने जो सर्वे किया है, हम पहले दिन से उसमें जो जो हमारे ऑब्जेक्शन थे उनको रेस करा चुके हैं, उनको इंटर करा चुके हैं, उनको लिखित में मौखिक में सब तरह से हमने हमारी बातें रख दी है, लेकिन फिर भी एसआई ने इसमें पक्षपात रूप से रवैया रहा है एसआई का इसमें। कोर्ट का जो आदेश था माननीय उच्चतम न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का, उसका भी अवहेलना की, हमने कंटेम भी लगाई है, चूँकि अभी वो पेंडिंग है, उसकी तारीखें चल रही है, उसमें बहस होना बाकी है, उनका जवाब आना बाकी है, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में और स्पष्ट कड़े शब्दों में ये चीज़ बोली गई है कि इस रिपोर्ट को आप गुप्त रखिए, और जब तक गुप्त रखिए, जब तक इसमें कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे, तो ये लोग आज सुबह से जो इंटरव्यू दे रहे हैं या मौखिक में बातें कर रहे हैं, तो क्या इनके पास एसआई ने इनको सर्वे के पूर्ण या सर्वे के पहले ही रिपोर्ट इनको सबमिट कर दी थी क्या हिंदू पक्ष को? तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये सब चीज़ें आज सुबह से वो बोले जा रहे हैं, जबकि कोर्ट में रिपोर्ट लगभग 12:15 के बाद पेश हुई है एसआई के वकील द्वारा, और इस सुबह 10 बजे से चाहे जो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं कि हमारी ये मूर्ति हमारा, और पिछले 80 दिनों 90 दिनों में इन्होंने बस मूर्ति मूर्ति और तरह तरह की चीज़ें अनाप शनाप मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू शहर की फिजा बिगाड़ने के लिए फैलाई गई। एसआई ने क्या भेदभाव किया, पक्षपात किया? आप तो वहाँ मौजूद थे, अगर कोई भेदभाव अगर अंदर सर्वे के दौरान होता है तो आपने विरोध भी किया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत तगड़ा विरोध किया है, हर तरह से विरोध किया है। कोर्ट में भी लिखित में हमने आपत्तियां दर्ज कराई है, इनके समक्ष भी आपत्तियां दर्ज कराई है, और समय समय पर उनको ये चीज़ें बताई गई है कि 2004 में ये चीज़ें रखी गई है, उनको उसका पूरा हमने एविडेंस के तौर पर सारे कागजात भी सौंपे हैं कि 2004 में हमने लिखित में इसकी शिकायत की थी, कलेक्टर साहब द्वारा हमें समझाइश भी दी गई थी कि आप लोग शांति बनाए रखें, हम लोग ये हटा देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हटाया, और उसको जाली में प्रोटेक्ट कर दिया गया, और अभी भी जो अवशेष बाद में यहाँ रखे, डम मटेरियल के थ्रू लाए गए, कमरे में किसी बदमाशी के थ्रू लाए गए, 80 दिन तक किसी तरह का कोई अवशेष यहाँ पर ऐसा नहीं था जिससे ये चीज़ें हों के किसी पक्ष के फैसले में ये अड़चन रहे या किसी पक्ष को ये फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन एसआई ने 81वें दिन से जहाँ पर जो बदमाशी करना शुरू की है, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी साफ बोलूँगा, बदमाशी इसलिए बोला है कि मतलब सुबह शाम रात दिन तो हम लोग रहते नहीं थे यहाँ पर, उनके ही गार्ड और उनकी सारी चीज़ें रहती है। 10 सितंबर 2023 में उनके गार्ड ड्यूटी पर थे, पुलिस प्रशासन ड्यूटी पर था, कैमरे सारे लगे हुए हैं, लेकिन पीछे के रास्ते से गेट तोड़कर एक मूर्ति रख दी गई। पुलिस ने उसमें केस भी दर्ज किया है, लोगों ने जमानत भी हुई है, लेकिन फिर भी वो इल्लीगल तरीके की जो कार्रवाई है वो उस पर कोई ऑथेंटिक पुलिस प्रशासन की तरफ से या माननीय एसआई की तरफ से कोई विरोध नहीं हुआ है या किसी तरह की मूर्ति रखी, किसने रखी? देखिए, उसमें कुछ 5 या 6 लोग पकड़े गए थे, पुलिस विभाग ने जांच उसमें अभी कर रही है कि कौन कौन उसमें और शामिल है, उनके हाईकोर्ट से जमानत भी हुई है, यहाँ से जमानत खारिज भी हुई थी, और वागदेवी जी की मूर्ति बताते थे ये लोग, क्योंकि उनका षड्यंत्र यही है कि किसी तरह से मूर्ति रखें और मूर्ति रख के हम इसको ऑथेंटिक कर दें, जबकि अंदर परिसर में आज तक अभी तक किसी भी तरह की देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, और ना ही अभी एसआई के सर्वे में निकली है। जो चीज़ें निकली है वो बाद में लाके रखी गई है, जो उन्होंने सर्वे में ऐड कर लिए वो हमारी कड़ी आपत्ति है। तो बाद में कैसे संभव होगा रखना, आप तो थे ना अंदर?
वही तो बता रहा हूँ सर, 2004 की रखी हुई है, उसमें जाली में प्रोटेक्ट कर दिया है। 2004 में जितने खंभे और पिलर रखी है और कमरे के अंदर 80 दिन तक, आपको वही बता रहा हूँ मैं कि 80 दिन तक उस कमरे का यूज एएसआई ने किया, उसमें चाय कॉफी बनती रही, उनके सीसीटीवी कैमरे का पूरा कंट्रोल रूम चला है उसमें से, और 80 दिन के बाद उनको उस कमरे की याद आई कि आज हम कमरा खोलेंगे और इसकी सफाई करेंगे। उन्होंने कारपेट निकाला, फर्श तोड़ा, फर्श पहले से तोड़ा हुआ था, मैंने उसमें ऑब्जेक्शन लिया कि आपने फर्श कैसे तोड़ा, ये मूल स्वरूप के साथ छेड़खानी है। वो जैसे ही उसको फर्श की एक सिला हटाई, नीचे से ऐसी थप्पी के थप्पी बनी हुई जो आकृतियां वो लाए होंगे कहीं से, चूंकि ऐसा ही है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी लाकर रख सकता है, तो वो जब बाद में जांच का विषय है। कोर्ट में हम उसका आवेदन भी दे चुके हैं, पंटेम भी लगा चुके हैं कि मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करके एक टंकी नुमा चीज बनाई गई, उसमें सारी एक के नीचे एक जितने उनके देवी देवताओं के दूसरा पक्ष नाम ले रहा है, एक के बाद एक वो आकृतियां उन्होंने उसमें रखी गई है। ये हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है और ये हमारा विरोध है इसमें। हिंदू पक्ष तमाम दावे अब कर रहा है कि त्रिशूल मिला, चित्र मिले, संस्कृत में श्लोक मिले, भगवानों की मूर्तियां मिली, और यही हमारे पास इनपुट है कि सर्वे में उन्होंने दिया। तो अब आपका अगला कदम फिर क्या होगा? देखिए, मॉन्यूमेंट चूंकि 700 से 800 वर्ष पुराना है, दीवारें हैं, अंदर आते जाते लोग वर्षों से जा रहे हैं आ रहे हैं, किसी ने कुछ भी स्ट्रक्चर में बना दिया हो, कोयले से किसी ने कुछ रगड़ दिया हो, किसी ने लाल शाही से कुछ रगड़ दिया हो, अगर उसमें किसी तरह की आकृतियां हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ऐसा ही इसकी रखवाली फिर किस हिसाब से कर रहा है, ऐसा ही इसमें क्यों अपने आदेश को पालन क्यों नहीं करवा रहा है। जो मंगलवार का आदेश है 2003 का कोर्ट का, कि अंदर किसी भी तरह की पूजा अलाउ नहीं है, सिर्फ अक्षत और फूल के कुछ पंखड़ियाँ ले जाकर विजिटर के तौर पर आप लोग जाइए और घूम के वापस बाहर आ जाइए, लेकिन वो लोग उस पर इलीगल गतिविधि के तौर पर पूजा पाठ और सारी चीज़ें उसमें, हर त्यौहार, चाहे वो राखी हो, चाहे वो बसंत उत्सव हो, चाहे वो चुनरी यात्रा हो, सारी चीज़ें अंदर कर रहे हैं। उसका हमने ऑब्जेक्शन भी लिया, ढेरों बार आवेदन ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब को दिए, पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को दिए, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुनी तो हम उसको लेकर 2019 में एक पिटीशन भी लगाई, हम हाईकोर्ट भी गए, वो हमारी पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। और एक बदमाशी सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नामक एक संस्था है जो बाहर की है, यूपी की है, वो लोकल भी नहीं है, उन्होंने एक दो लोकल लोगों को यहां से मिला करके एक पिटीशन लगाई, और उस पिटीशन में भी एक एप्लीकेशन दी गई बीच में, और उस एप्लीकेशन को हमें हमारे वकील को दिया भी नहीं गया कि हम उसको विरोध करें या उसकी उस पर बहस करें। क्योंकि कोर्ट में सुनवाई होना है 22 जुलाई से, तो अगर जैसे सबूत के इनपुट्स हमारे पास हैं, अगर फैसला आपके विरोध में आता है, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, फैसला विरोध और पक्ष की तो बात ही नहीं है, एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उनको लिखना पड़ेगा, उनको लिखना ही पड़ेगा कि ये मस्जिद है, क्योंकि एएसआई ने 1997 में जो एक पिटीशन लगी थी उसमें जो जवाब पेश किया था उसमें इसको मस्जिद घोषित कर दिया था। तो 1997 में अगर ये मस्जिद थी तो 2024 में मंदिर कैसे हो सकता है? तो एएसआई से यही हमारा प्रश्न है कि आप हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, ऐसी आपकी संस्था भी तो चेंज नहीं होती है, तो आप एक आजाद संस्था है, आप सरकार के अधीन जरूर है, लेकिन आप सरकार की बात सुन रहे हैं या तो पक्षपात कर रहे हैं या आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है जो आपको चला रहा है। हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके खिलाफ भी क्या सुप्रीम कोर्ट में आपने कोई याचिका लगाई है? हाँ बिल्कुल, हमने गाइडलाइन के तौर पर कंटेम भी एक लगाई है, जो एएसआई ने यहाँ पर नियम विरुद्ध गतिविधियां की है, जो इलीगल गतिविधियां की है, खुदाई पे खुदाई की है, मूल स्वरूप को बिगाड़ा है, जो चीजें हमारी यहाँ नहीं सुनी गई, हमने सुप्रीम कोर्ट में एक दायर याचिका, एक एसएलपी भी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पूरी बात सुनी है और उस पर हमको एक गाइडलाइन भी दी है, और गाइडलाइन के तहत ही हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस सर्वे को किया जाए, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन के तहत सर्वे बिल्कुल नहीं किया, और उसी के आधार पर हमने एक कंटेम भी दायर किया, उसके नोटिस भी हो गए, एक आर्गूमेंट भी हो गया, उसमें एसआई की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया, वो अभी जवाब भी फाइल करेंगे, जवाब करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी धोखाधड़ी और ऐसा हमारे साथ अत्याचार होगा तो हमारा जो भी अधिकार है उस अधिकार के तहत हम इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे इसको लेकर। तो समझ है, मुस्लिम पक्ष के शख्स हैं जो लगातार 98 दिन तक सर्वे में भूसाला के अंदर थे, इनका आरोप है कि एएसआई ने गड़बड़ी की है, जो साक्ष सर्वे रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिनका जिक्र किया है, वो प्लांटेड है, ये इनका आरोप है, और इनका ये भी मांग है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवीर सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोसाला।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं। विष्णु जी, क्या है इस रिपोर्ट में पता चला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, जो एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट है कि परमार वंश का ये स्ट्रक्चर है और एक धार्मिक स्ट्रक्चर है। देखिए, भारी मात्रा में इस रिपोर्ट से ये साबित होता है जो बात और जो केस हमने सेटअप किया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो एएसआई ने 98 डेज की मशक्कत की है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2000 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको एक कर्सरी ग्लांस में बताना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है और जो वहाँ पे 15वीं शताब्दी में तोड़ा गया है मंदिर, उसके भी वहाँ पे प्रमाण और सबूत मिलते हैं। तो ये रिपोर्ट हमारे केस को और पुख्ता करती है और इस रिपोर्ट की जो निटिग्रिटीज हैं, डिटेल्स हैं, मैं आपको कुछ समय में और फर्दर। ये ज्ञानवापी की तरह नहीं लगता कि सबूत खुलकर सामने आ गए? नहीं, बिल्कुल ये ज्ञानवापी की तरह ही है। जैसे हमने वहाँ पे काम किया था और ये बताया था कि वो एक परिसर, एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसी तरह से यहाँ पे भी ये साबित होता है कि भोशाला कोई कमाल मौला की दरगाह नहीं है, ना मॉस्क है, ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से एक मस्जिद का, एक दरगाह का शेप देने की कोशिश की जा रही है। 22 तारीख को सुनवाई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाए हुए, तो आपने आज सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की? हमने सुप्रीम कोर्ट से ही मांग की थी कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, लिस्ट करा जाए इस मामले को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर मेंशन किया था और अब देखते हैं आगे आने वाले समय में मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने कब लगता है। जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है, स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन देना है और जो लिस्टिंग की एप्लीकेशन देना है, वो सारी चीजें हम लोग प्रोसेस कर। इस रिपोर्ट से हिंदू पक्ष की उम्मीदें काफी बढ़ गई है? बिल्कुल, हमारा केस और स्ट्रांग हुआ है। और जो सेक्शन 16 एएसआई एक्ट का है कि आप किसी जगह के मूल स्वरूप के खिलाफ काम नहीं करेंगे, वो सारी बातें से साबित हुई।